हे यो गाइस, तो अब अगर आप लोग सोचो कि आपको कहा जाए कि आपको जस्ट एक बैम्बू और एक सैंड से इस पूरा ब्लड ओशन पे सरवाइव करने, तो कैसे करोगे? ब्लड यानी पूरा ब्लड ही ब्लड होगा इसमें। लेकिन एक चीज, ये जो ओशन है ना, इसके नीचे सिर्फ नॉर्मल चीज नहीं, इसमें हमको मिलेंगे बहुत अलग अलग टाइप के सी मॉन्स्टर, जिससे हमको बच के इस पूरा का पूरा वर्ल्ड में हमको 100 डेज सरवाइव करना है। मुझे नहीं पता मैं इसमें कैसे 100 डेज सरवाइव करूंगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है शार्क्स, और सिर्फ शार्क्स नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। तो ये सब मॉन्स्टर देख के मेरा पहले हालत खराब हो जाता था, मैं इसमें कैसे सर्वाइव करूंगा पूरा का पूरा, वो भी 100 डेज। तो ये था गाइस सबसे बड़ा चैलेंज इस ब्लड ओशन पे, हमको एक बैम्बू और एक सैंड के साथ पूरा का पूरा सर्वाइव करना। हाँ, हमने यहाँ पे बहुत सारा मुशक्कत किया, बहुत सारा मारा मारी किया यार पूरा का पूरा 100 डेज सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे स्पॉन हुए एक सैंड के ऊपर, एंड यहाँ पे था एक बैम्बू का पेड़, एंड सामने अजीब पूरा ब्लड का ओशन। यार ये देख के मैं तो घबरा गया, यार ये क्या हो रहा है। बट मुझे एक बैम्बू स्पियर मिला था खुद के सेफ्टी करने के लिए, बट बहुत ही यूजलेस था। लेकिन कोई ना, सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा मोड़ा बैम्बू काटा, लेकिन मुझे एक ऐड है यार, बैम्बू तो ठीक है बट 9 से 1 ब्लॉक बनते हैं बैम्बू के, बट मैं कैसे कुछ करूंगा। इसे मैं 4 पे रखा तो इससे बन रहा था ग्रेवल। ये देख के मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार, मैं सोचा फिर अभी मैं आगे कैसे प्रोग्रेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लड ओशन के ऊपर चलते चलते मुझे सामने ना कुछ शिप रैक दिखा था। यस, तो लकीली गाइस ये शिप रैक मेरे लिए एक वरदान जैसा था, एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट। और ऐसे मैंने एक डार्क लॉग यहाँ पे से मैंने माइन कर दिया बहुत ही मुशक्कत के साथ, क्योंकि पानी के अंदर सांसें रोकना बहुत हार्ड था, तो मेरा आधा एचपी में बचा था। अभी अगर कोई मॉन्स्टर आया तो मेरा हालत खराब हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाया जैसे तैसे, तो फाइनली एक क्राफ्टिंग टेबल यानी मेरा पूरा जिंदगी अभी आसान होने वाला था। तो अभी हमको चाहिए था बहुत सारे बैम्बू जिसके मदद से हम लोग बना सकते हैं प्लैंक। तो मैंने यार एक मिनट से ब्लॉक बना जिससे मैंने कुछ स्टिक्स बनाए। हाँ, और मेरे को गाइस आयरन और लैपिस कहाँ से मिला था, वो था शिपरेक के अंदर लूट से, वो आपको मैं नहीं दिखा पाया। हाँ, मेरा एडिटिंग स्किल बहुत हाई लेवल का है। ओके, तो उसके बाद मैंने एक तलवार बनाई यहाँ पे जिससे मैं मारा मारी कर सकूँ। आप सोचो कि मारा मारी किससे करोगे? यार मारा मारी हम किससे करेंगे पता है ना, यहाँ पे जो मछलियाँ थे ना, मुझे खाना चाहिए था, मैं भूख के मारे मर रहा था। तो मैं मुझे लगा कि भूख के मारे मरने से अच्छा तो मैं मारा मारी करके कुछ खाना इकट्ठे करूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बैम्बू का जो हमारा जगह था उसको मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड किया जस्ट 2 ब्लॉक, क्योंकि मैं यार आलसी बन गया था तभी। उसके बाद मैंने एक आयरन का पिकैक्स बनाया जो मेरे पास बचा हुआ आयरन था उससे। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे चला गया माइन करने, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा यस कबल स्टोन माइन के, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा मेरा ऑक्सीजन का तो व्हाट लावली हो गया। तो मैंने सीधा ऊपर आया, यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा चलो थोड़ा सा और एक्सपेंड करते आइलैंड को। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रैप डोर बनाया आइलैंड को, मतलब जो हमारे पास बैम्बूस थे, फिर डोर लगा के हमने एक एक करके पूरा का पूरा जगह को माइन किया। तो यहाँ पे कुछ आयरन मिला, कुछ कबल स्टोन, कुछ गोल्ड, ये सब चीजें हमको मिलता गया। उसके बाद क्या किया पता है, उसके बाद सबसे पहले था मुझे आइलैंड को थोड़ा एक्सपैंड करना था, क्योंकि बैम्बू मुझे बहुत सारा चाहिए था। तो मैंने कुछ और बैम्बू के यहाँ पे हम लोगों ने सैपलिंग्स लगा दिए। उसके बाद धीरे धीरे हमारा बैम्बूज उग रहे थे, लेकिन ये उगते उगते हम लोगों ने अच्छा खासा बैम्बू फार्म कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक स्टैक बनाया था बैम्बू का ब्लॉक। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया गाइस पता है स्लैब्स, क्योंकि यहाँ स्लैब सबसे सस्ता होता है। उसके बाद मैंने आइलैंड को एक्सपैंड करना शुरू किया एक सर्कल का डिजाइन देते हुए। हाँ मुझे पता आप लोग बोलोगे भाई हर वीडियो में तो सर्कल ही बनाते हो, कुछ अलग बनाओ। अरे नहीं भाई, सर्कल मेरे को पसंद है। तो ऐसे कर करके हमने यहाँ पे पूरा सर्कल का डिजाइन हमने बना दिया। तो अभी टाइम था बाकी का जो भी हमारे पास सैपलिंग्स है, मतलब बैम्बूज के, तो उसको भी हमको रिप्लांट करना। तो उसके पहले हमको एक काम करना था, मैंने जितने मेरे पास आयरन मैंने बाकी लेके आया था ना, उससे मैंने एक आर्मर बनाया पूरा के आयरन का आर्मर गाइस। क्योंकि देखो हार्ड कोर है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मर गया तो मेरा व्हाट लावली हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके सबल बना के मैं पानी में कूद पड़ा। अब सोचो कि भाई पानी में क्यों गया अभी, यार पानी में मछली पकड़ने नहीं आया, हम यहाँ पे आए थे सैंड को स्टोरी करने। तो अजीब गरीब मछली को मारते हुए हम यहाँ पे सैंड फार्म करना शुरू करने वाले थे। तो यहाँ पे हमने प्लेस किया डोर, एंड उसके बाद सबल से धिन तना। अरे भाई मैं ज्यादा कुछ नाटक कर रहा हूँ क्या? नहीं ना। तो गाइस हम ऐसे करके वहाँ पे सैंड फार्म किए, फिर ऊपर आके जो हमने जगह बनाई थी इतना सुंदर उसको तोड़ के हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सैंड लगा दिया। उसके बाद जो बैम्बू बचे थे उसको मैं प्लांट करने वाला था, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा मारा मारी वाला हादसा हो गया। मारा मारी यानी
यहाँ पे आ चुके थे फैंटम्स। मैंने बहुत सालों तक हमने नहीं सोया था, तो यहाँ पे सब फैंटम को मारने के बाद हमारे पास एक ही चीज बचता था, वो था यहाँ पे जो बैम्बूस थे उसको रिप्लांट करना। तो इनको मारने के बाद जो इतने बैम्बू मेरे पास बचे हुए थे सबको एक एक करके मैंने यहाँ पे रिप्लांट किए। तो यहाँ से बैम्बू वगैरह जो रिप्लांटिंग था ये होने के बाद में माइन चला गया। तो माइन चाहते जाते यहाँ पे हमको मिला था एक स्पॉनर। तो यहाँ पे खास हमको लूट नहीं, यहाँ पे हमको कुछ पम्पकिन के सीड्स मिले थे और यहाँ पे कुछ अजीबो गरीब चीजें। तो यार अच्छा खासा ठीक था, पम्पकिन सॉरी मिलियन का सीड थे। उसके बाद मैं माइनिंग जारी रखा मेरा, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे डर्ट मिले थे। तो मुझे लगा यार डर्ट मेरे को कहीं पे मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे मिला है तो मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं डर्ट ऐसे माइन करूंगा। तो यहाँ से मैंने और एक माइन शॉप में मुझे कुछ आयरन मिले, कुछ चीजें और एक माइन शॉप मतलब माइन क्राफ्ट चेस्ट में हमको मिले सीड्स एंड पम्पकिन एंड यहाँ पे ग्लोबेरी के। यार ये था मेरा सबसे लकीएस्ट वाला चीज है, क्योंकि अभी मैं सामान उगा सकता था मतलब खाने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज था गाइस, हम लोग डर्ट और मतलब वुड सीड को मिला के हम लोग बना सकते थे क्या पता है ना ग्रास ब्लॉक। तो ये थोड़ा सा अच्छा था मेरे लिए। एंड यहाँ पे मैंने एक स्लीपिंग बैग बना के सो गया। तो गाइस हम लोग पहली बार सोए थे यार इतने दिनों के बाद। उसके बाद बैम्बू जितने बड़े हुए उतने में फार्म करते गया जितना ज्यादा हो सके हम उतना ज्यादा बैम्बू फार्म किए, क्योंकि अभी हमको एक अलग प्लान मतलब अलग आइलैंड बनाया था छोटा सा जहाँ पे हम लोग हमारा बैम्बू के फार्मिंग कर सके। क्योंकि गाइस इस आइलैंड पे मेन आइलैंड था हमारे, तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ यूज नहीं कर सकता था। तो मैंने एक अलग एक आइलैंड बनाया जहाँ पे मेरे पास जितने सारे डर्ट्स थे मैंने की करके हर एक डर्ट यहाँ पे प्लेस कर। लेकिन गाइस दिक्कत वाली बात था कि हमारे पास डर्ट बहुत कम था, जितना ज्यादा था उसमें हम लोगों ने पूरा के पूरा बैम्बूस भर दिए मैंने, क्योंकि यार इतना बड़ा ह्यूज एरिया बनाने के लिए हमको बहुत बैम्बू चाहिए था। तो अभी फिलहाल जितना सारा था उतना भी काफी था मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन को थोड़ा सा बैम्बू लाइन को तोड़ के मैंने मेरे पास जितने सारे वुड शीट था मैंने यहाँ पे दो मेरे पास था तो मैं लगा दिए, क्योंकि यार खाने का भी बहुत ज्यादा चीज होने वाला था। तो खाने का भी चीज इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। यार डैमेज पता नहीं एक एक जो हम लोग कपड़े वपड़े बना रहे थे तो गाइस उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे थे, मुझे नहीं पता कैसे। तो गाइस अच्छा खासा हम लोगों ने बैम्बू को हार्वेस्ट कर लिए थे। अभी टाइम था कि एक बहुत बड़ा ह्यूज एरिया बनाया जाए, तो उसके लिए हमको लगने वाला था बहुत सारे डर्ट। तो मैं चला गया फिर से माइन। तो इसमें हमको पानी के अंदर बहुत दिनों तक वेट करना पड़ा माइन करते करते। तो हम लोगों ने जितना ज्यादा हो सके एक एक करके पूरा हम लोगों ने डर्ट माइन किए, फिर शुरू हो गया हमारा सबसे ह्यूज वाले काम पे। We'll be right back.
फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा एरिया बिल्ड कर लिया था। लेकिन यार आप लोग सोच सकते हो ये बिल्ड करने में हमारे का हालत खराब हो गया, कितने सारे हमको बैम्बू तोड़ना पड़े। लेकिन कोई ना यार, बैम्बू तोड़ेंगे तभी तो बैम्बू का घर बनाएंगे। यार मैंने कुछ अच्छी वगैरह बात कर दिया था, उसको इग्नोर करो। तो गाइस यहाँ पे आके हम लोगों ने जितने बड़ा हमारे सर्कल थे उसके अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा बैम्बू फॉरेस्ट उगा दिया। यस, क्योंकि हमको बहुत सारा बैम्बू चाहिए था, ढेर सारा, जो यार मेरे लिए काफी नहीं था क्योंकि मैं बैम्बू से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था। प्रभावित, ओहो मैं कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई डोंट नो गाइस। ओके, उसके बाद हमको मेन था खाना वाना का चीजें उगाना। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने पैर से खाने का चीजें उगाना शुरू किए। हम लोगों ने बाहर से जितने सारे वुड्स फार्म किए थे उनमें से जितना सीड बच गए मैंने यहाँ पे रिप्लांट किया। जितने सारे पम्पकिन सीड्स है उसको भी मैंने रिप्लांट किया। बाकी जो फार्मलैंड थे, जो मेरे पास मेलन सीड थे, उसको भी रिप्लांट किया। और एक साइड पे खाली था क्योंकि गाइस अभी हम बनाने वाले थे, क्या पता है अभी हम लोग बनाने वाले थे एक ह्यूज एक्सपी फार्म जिसके अंदर से मेरे को पोटैटो, कैरेट एंड रॉटन फ्लेश मिले। तो हम लोग इस काम पे भी लग चुके थे कि हम लोग एक ह्यूज एक्सपी फार्म बनाए, वो भी इफिशियंट वाला। तो इसमें बड़ा टाइम लग गया था लेकिन हमने फाइनली इसको बिल्ड कर लिए। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली इस एक्सपी फार्म को बना तो लिए थे। और यहाँ पे गाइस अच्छा खासा जॉम्बीज भी आना शुरू हो गया था। लेकिन गाइस ये जॉम्बी आते आते ना मुझे यहाँ पे दो, एक कैरेट एक पोटैटो मिला था जो लेके अपने जाके मेरे जो खेत था ना उसमें मैंने उगा दिया। तो उगाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हमारे मेलन को भी हार्वेस्ट किया क्योंकि पूरा खेत में मेलन अभी तक मैंने उगा नहीं पाया था। तो मेलन हार्वेस्ट करने के बाद मैंने सीड लिया एंड सीड बनाने के बाद मैंने पूरा फार्म लैंड पे एक एक करके मेलन मैंने प्लेस कर दिया क्योंकि यार हम मेलन खाना पसंद करते हैं ना इसीलिए। तो ये करते करते हम देखने लगे कि रॉटन फ्लेश से क्या क्या बनता है। यार मैं तो देख के हैरान हो गया, रॉटन फ्लेश से डायमंड बन रहे हैं एंड अगर हम लोग रॉटन फ्लेश को जलाए तो उससे बन रहा लेदर, यानी ओ माई गॉड। बट कोई ना यार, ये भी बहुत ही खतरनाक चीज है। तो यहाँ पे मैंने जितने सारे रॉटन फ्लेश था उससे मैंने डायमंड बना लिए। तो हाँ 12 डायमंड बना था। तो फिर यार उतना डायमंड में से मुझे कुछ हुआ नहीं, फिर आ चुका था मैं माइन करने। तो यहाँ से मैंने अच्छा खासा माइनिंग शाइनिंग किए तो ऑलमोस्ट मेरे पास 30+ डायमंड अभी आ चुके थे। तो अभी क्या करना था, मेरे को आर्मर बनाना था। तो यहाँ पे मैंने शुरू हो गया डायमंड का आर्मर बनाना। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा मेरे को क्योंकि डायमंड बहुत ही कमी था मेरे पास। लेकिन यहाँ पे एक एक करके मैंने पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर बनाया। लेकिन डायमंड का नाम के अगर कुछ रिफॉर्च जुड़ गया था जो कि मेरे को HP दे रहा था और कुछ कुछ ज्यादा अच्छा से स्टैट दे रहा था। लेकिन यहाँ पे देखा कि नीचे कुछ गोस्ट टाइप का कुछ पानी में दौड़ रहा है। यार ये देख के मैं थोड़ा सा डर गया, नीचे क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे मैंने खाना बनाया। तो गाइस खाना वगैरह बनाने के बाद अभी बहुत सारे काम बाकी थे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैं साइड बनाया और एक डायमंड कटाना बनाया जिसके अटैक स्पीड था 2.0, यानी बहुत ही फास्ट। तो ये लेके मैं चल पड़ा यहाँ पे जमीन मतलब पानी के अंदर, ब्लड ओशन के अंदर। लेकिन जब मैं नीचे आया तो यहाँ पे पूरा का पूरा खाली ओशन था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो मुझे लगा अभी मुझे एक्सप्लोर पे जाना चाहिए। तो मैं करने लगा एक्सप्लोर आजू बाजू ब्लड ओशन के ऊपर। तो जाते जाते मुझे भूई बला ओवरऑल का सी मॉन्स्टर दिखा जो कि यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट सेकंड बॉस था, यानी इसके ऊपर भी एक फास्ट बॉस था। तो मैंने सोचा चलो इसको सबसे पहले तो मारते। तो मैं थोड़ा सा कोशिश की इसको मारने के लिए बट मेरा हिट पॉइंट उसको लग नहीं रहा था एंड इसको मैं जब इसको डैमेज दे रहा था ना ये मुझे पकड़ के इतना गंदा मुझे बाइट किया, मैं लिटरली यहाँ पे 2 हर्ट में बचा था। मैं जैसे तैसे यार भागा मेरा जान बचा के। एंड ना यहाँ पे मुझे बहुत सारे शुगर केन भी मिले थे जो छोटे छोटे आइलैंड थे, मैं आपको पहले बता देता हूँ अगर मैं भूल जाऊँ तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जो आजू बाजू देखा तो यहाँ पे जो मेरा पीछे आ रहा था ना आते आते देखा वो गायब हो गया।
यार मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा कि ये गायब कहाँ पे हो सकता है, तो मैं कुछ टाइम यहाँ पे इंतजार किया बोला छोटे यहाँ पे आइलैंड पे, तो फाइनली यहाँ पे ना कुछ मुझे दिखने लगा था थोड़ा सा दूर जाके, तो यहाँ पे मैंने सुबह होने के बाद मैं वहां पे पहुंचा तो यहाँ पे करिकन था, वो भी मॉन्स्टर वाला, वो स्क्विड वाला करिकन नहीं। तो अभी इसको मुझे सबसे पहले तो मारना था इस करिकन को, तो मैं चल पड़ा बिना हिचकिचाहट के। लेकिन एक चीज था कि मेरे पास ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कमी हो रहा था, एंड मैं ब्लड जो हमारा ब्लड ओशन है इसमें क्या दिक्कत हो रहा था, इसमें हमको सबसे ज्यादा जल्दी हमारा ऑक्सीजन जा रहा था, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे तैसे करके इस करिकन को यहाँ पे मैंने हरा दिया। तो गाइस हाँ, ये मेरे को ज्यादा खास डैमेज मेरे को नहीं दिया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था वाटर ब्रीदिंग का। तो हाँ, इसके लिए मतलब वाटर ब्रीदिंग मेरे पास मतलब कोई पोशन वगैरह था नहीं, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ, एंड मैंने इस करिकन को भी यहाँ पे मैंने हरा दिए थे। तो उसके बाद जो मॉन्स्टर था जिसकी वजह से स्पॉन हुआ था वो फिर से गायब हो गया। यार फिर घर आया, घर आके मुझे लगा कि अभी तो एक रहने के लिए आलीशान छोटा घर बनाते हैं। आपको क्या लगा मैं आलीशान बंगला बनाने वाला? अरे नहीं जी, हम आलीशान छोटा घर बनाएंगे जिसके अंदर हर एक फैसिलिटी होना चाहिए, इतना तो यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ से मैं अच्छा खासा बैम्बू का अच्छा खासा घर मैंने यहाँ पे डिजाइन किया। हाँ मुझे पता है अजीबोगरीब है, लेकिन यार मेरा ही घर है तो यार चलता है इतना तो, ठीक है ना गाइस। यार ये घर तो बना लिया था मैंने, लेकिन अब वो गाइस मैंने बोला था मैं आइलैंड से शुगर केन लेके आया था, तो मैंने पूरा घर के साइड में शुगर केन यहाँ पे मैंने लगा दिए थे। यार आप बाद में कमेंट करके बोलते हो ना भाई ये सब चीज कहाँ से किया था, यार मैं इसलिए पहले बता देता हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बोन मिल से, अब अभी ना बोल लो कि भाई बोन मिल कहाँ से लेके आया। हाँ भाई यार एक्सपीरियंस से मिला ऑब्वियसली, तो बोन मिल लेके आके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हमारे घर को डेकोरेशन करना शुरू किया, एंड बाकी चीज अच्छा ही लग रहा था। तो कुछ दिनों के बाद गाइस जितने सारे हम लोगों ने लैपिस वगैरह माइन किए थे और बुक वगैरह मैंने बना लिए थे, गाइस आप सोचो कि भाई लेदर कहाँ से लेकर? अरे यार रोटन फ्लेश को जला के लेदर बनाया। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया जो कि हमको एन्चेंट के लिए मदद करने वाला था। ओके ना गाइस, तो पता नहीं मैंने ऊपर यहाँ पे दो ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा दिए थे, तो मैंने इसको तोड़ा, एंड अभी क्या टाइम था पता है ना, अभी था एन्चेंट करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं एक एक करके जितने सारे मेरे पास टूल था उसको देख देख के मैं यहाँ पे एन्चेंट करना शुरू किया, तो आर्मर वगैरह टूल्स वगैरह जितने सारे चीज था मैंने एक एक करके पूरा का पूरा एन्चेंट कर लिया। अभी टाइम था नीदर पोर्टल बिल्ड करने के लिए। बट एक चीज बताओ, मैं सच्ची में मैं जिंदगी में नेदर में गया ही नहीं था, नेदर पोर्टल बना के छोड़ा था ऐसे। आप सोचो कि भाई स्पॉइलर मत दो। अरे यार थोड़ा सा ही तो उसमें क्या होता है। तो मैं फिर से निकल पड़ा वो मॉन्स्टर का खोज में जो यार हमको इतना ज्यादा परेशान कर रहा था। तो जाते जाते गाइस एक छोटा साइलेंट पे दिखा कि ये फंसा हुआ है, तो मुझे लगा कि यार अभी तो फायदा उठाओ इसका फंसा हुआ, तो मुझे लगा कि चलो इसको सबसे पहले मारते। लेकिन इसको कोई भी हिट पॉइंट मेरा लग नहीं रहा था, तो मैंने जैसे तैसे इसको मारने की सोचा, तो हाँ यार गाइस मैंने ना इसको गलती से मार दिया था, ठीक है। तो पहले तो इसको मैंने बहुत तगड़ा यहाँ पे डैमेज दिया, जब ये ऊपर आया ना तो ये ना क्या हुआ ऑक्सीजन के बिना ही मर गया, यानी लॉजिकली देखो तो मैंने नहीं मारा, बट मैंने ही मारा था इसको। ओके, तो उसके बाद मैं निकल पड़ा बेस के लिए गाइस, क्योंकि यार बेस में जाना बहुत जरूरी था। तो बेस आने के बाद मुझे यहाँ पे जायंट ग्लो स्क्विड कुछ कहीं पे दिख रहा था, तो पानी में गया तो वो रहा सामने ग्लो स्क्विड। यार मुझे लगा यार तुम लोगों को जो भी काम है मेरा बेसिक क्यों लेना देना है, तो मैंने इसको एक शॉट मारा जिससे इसको थोड़ा इसमें कम हुआ। मुझे लगा नहीं इसको बो से नहीं मारेंगे, इसको मैं हाथ से मारूंगा, लेकिन ये अचानक मुझे जमीन के अंदर नीचे खींच के ना ये मारना शुरू किया। बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि मेरा ऑक्सीजन का दिक्कत। हाँ मैं इसको इजीली इसको मार सकता हूँ इस खतरनाक ग्लो स्क्विड को जायंट वाला, लेकिन एक ही दिक्कत था मेरा ऑक्सीजन, और मैं पानी के ऊपर से इसको लिटरली नहीं मार पा रहा था। तो मैंने नीचे डोर लगाया, हाथ में टॉर्च पक्का, एंड सोचा बो से मारूं, लेकिन नहीं बो कोई काम का नहीं आ रहा था इस जगह पे। तो मैं थोड़ा सा खुद को हिम्मत जुटाया और मैं चल पड़ा इसके पास, क्योंकि इसको मुझे मारना था। अगर इसको मैं मार देता तो हमारा पूरा का पूरा 100 डेज सर्वाइव करना कंप्लीट हो जाता। ऑलरेडी 102 डेज हो चुका था, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ अभी करने वाला, तो मैंने जैसे तैसे इसको मेरे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी में लेके रखा, तब ये मुझे फिर से जमीन के अंदर खींच के ले गया, जो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा काम करता है। एंड मैं ऑक्सीजन के कारण बहुत ज़्यादा मुझे डैमेज पड़ रहा था, थोड़ा सा हील किया, एंड फिर से मैं नीचे आ पहुंचा इसको मारने के लिए। फिर मैं साइड निकला एंड इसको फटाक, ओ नो मैं इसके पास ही नहीं जा पा रहा हूँ यार, ओ नो नहीं 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 इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन लेके आना पड़ेगा। तो ये ले मर, यार मैं तो इसको मार ही दिया, मुझे लगा कि मैं इसको नहीं मार, ओ ये क्या है गोल्डन ट्रॉफी। तो गाइस हमको इसको मारने के बाद हमको मिला था गोल्डन ट्रॉफी और एक ग्लो स्क्विड आई।
तो आई का तो हम भरता बना के खा लेंगे। आप खाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो। ओके गाइस, ये था आई और एक था गोल्डन, हमारे पास ट्रॉफी। तो मुझे लगा कि यार गोल्डन ट्रॉफी है तो घर के ऊपर लगना यार बनता है, तो मैं घर के ऊपर चढ़ा धीरे धीरे करके। हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था तो गड़बड़ मेरे से भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हमारा स्क्विड का ट्रॉफी। और गाइस इसी के साथ हम लोग पूरा का पूरा 100 डेज सर्वाइव कर चुके सैंड एक बैम्बू के साथ एंड एक ब्लड ओशन में। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बनाने में बड़ा मेहनत जाता है। ओके सो गाइस चलिए बाय बाय टाटा सी यू। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो। गाइस बाय बाय गाइस।